Hey guys, this is Ania Sheikh. Welcome back to my channel Foodie Cooking Show. So, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन घर पर, वो भी एक ट्विस्ट के साथ. So, let's get started. And if you want to see this video in English language, then there is a link in the description and comment box. You can watch it from there. मंचूरियन बनाने से पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे हम चॉप्ड कैबेज यानी कि बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, और अब उसे एक मिक्सर में डालकर पीस लेंगे. इसे थोड़ा सा ही पीसना है, पूरा पेस्ट नहीं बनाना है इसका. इसे थोड़ा सा ग्रेन करने के बाद अब इसे हम निकालेंगे. अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा कप मैदा, मैदा छान कर डालना है, और आधे कप से थोड़ा सा कम हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर. मैदा और कॉर्नफ्लावर हमें ज़्यादा नहीं डालना है, वरना बहुत कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा उसका. और अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर. मिलाकर हम एक डो की तरह बना लेंगे. एंड मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर मिलाकर थोड़ा सा और इसमें मिक्स किया है, क्योंकि मेरी पत्ता गोभी में थोड़ा ज़्यादा पानी था. हो सकता है आप में कम हो ज़्यादा हो, मैं नहीं बता सकती ये, तो मेरे वाले में ज़्यादा पानी था तो मैंने इसलिए थोड़ा सा और डाल दिया. अब थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, और अगर आपकी पत्ता गोभी में ज़्यादा पानी हो तो इसमें हमें ज़्यादा मैदा या कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है, क्योंकि हम इसे फ्रीज करेंगे तो ये सही हो जाएगा. ज़्यादा डालने से इसमें बहुत कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा, आटे जैसा. सारी मीडियम साइज़ की बॉल्स बना दी है, अब इसे 20 से 30 मिनट के लिए फ्रीज करना है. 30 मिनट्स फ्रीज करने के बाद हमारे सारी मंचूरियंस बॉल बिल्कुल सेट हो गए हैं. आप देख सकते हैं बिल्कुल टूट नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है. और अब इसमें हम कढ़ाई में लेंगे, उसमें डालेंगे तेल, उसे अच्छे से गर्म हो जाने के बाद उसमें हम सारे अपने मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे, और फिर हल्का ब्राउन होने तक उसे फ्राई करेंगे. हमें इसे इस टाइम ज़्यादा नहीं कुक करना है, मतलब ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हम इसे फिर से फ्राई करेंगे. पहली बार में इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, और ऐसे ही हम सारे अपने मंचूरियन बॉल्स फ्राई कर लेंगे. और हमारे मंचूरियंस रेडी हैं. आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है. अब मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ. ये अंदर से कुक हो चुका है, इसे ठंडा हो जाने के बाद एक बार हम फिर से फ्राई करेंगे इसे. और इस टाइम हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, मतलब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा बस निकाल लेना है. एंड हमारी क्रंची से मंचूरियंस बनकर रेडी हैं. अब इसे साइड में रख देंगे और बनाएंगे इसकी सॉस. तो सबसे पहले एक पैन में डालेंगे हम तेल, उसे चारों तरफ फैला देंगे, फिर उसमें डालेंगे चॉप गार्लिक यानी कि बारीक कटा हुआ लहसुन, उसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च. आप मैंने इसे फाड़ कर डाला है, आप चाहे तो इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमें तेल के गर्म हो जाने के, अच्छे से गर्म हो जाने के बाद डालनी है. और अब डालेंगे हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच टोमेटो सॉस, आधा चम्मच चिली सॉस, और थोड़ी सी सोया सॉस. अब इस इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है ये इसे कुक करने के बाद. इसे हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी, और फिर थोड़ा सा कुक करेंगे. अब एक कप लेंगे, उसमें डालेंगे पानी और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर. यहाँ पर हम इसे गाढ़ा करने के लिए डाल रहे हैं, आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर की जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है हमें. थोड़ा थोड़ा डालकर फिर हम इसे मिला मिला कर कुक कर लेंगे थोड़ा सा. और अब यहाँ पर हम डाल देंगे अपने मंचूरियंस बॉल्स. आप चाहें तो यहाँ पर फ्लेम बंद भी कर सकते हैं, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हरी धनिया या फिर स्प्रिंग अनियन डालकर. हमारे टेस्ट से मंचूरियन बनकर रेडी है, इसे हम एक सर्विंग प्लेट पर निकालेंगे.
मंचूरियन बनाते टाइम आपको बस एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको हर जगह पर नमक कम डालना है, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, मंचूरियन बॉल्स जो उसमें बनाते हैं वो उसमें भी नमक होता है, उसके जो सॉस बनाते हैं उसमें भी नमक डालते हैं, तो आपको बहुत कम कम डालना है सब में, वरना आपके मंचूरियन में बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। सो होप यू गाइज इन्जॉय दिस वीडियो। फिर से थोड़ा सा गार्निश करेंगे इसके ऊपर हम हरा धनिया या फिर स्प्रिंग अनियन, और ये हमारे टेस्टी से मंचूरियन रेडी हो गया है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था, एकदम सॉसी सा। सो हे गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। आई पोस्ट न्यू वीडियो एवरी वीक। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।